हेलो गाइस, एक नई रेसिपी के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम हो और गाजर का हलवा ना हो तो फिर ठंडी में मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। तो यहाँ पर हमने 2.5 किलो के आसपास गाजर को घिस लिया है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद कद्दूकस से इसको घिस लेना है। अगर आप काट करके भी, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बनाते हैं ना, तो वो उबालने के बाद तो वो ऐसे हो ही जाते हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन हम पहले इसको घिस करके आज बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने 2.5 किलो गाजर लिया है तो बड़े कुकर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले छोटा कुकर लिया था, फिर मैं बड़ा कुकर लूँगी यहाँ पर। तो आप उसको अच्छी तरीके से बड़े से कुकर में डाल करके उसको आप मोटी सी लेयर जैसे होती है उसको आप फैला लीजिए इस तरीके से। 2-3 बार आप गाजर का जो घिसा हुआ पार्ट है उसको इस तरीके से फैला लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, ऊपर पहले नीचे गाजर, फिर चीनी, उसके बाद फिर गाजर डालेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर से हम थोड़ी बहुत चीनी, जैसे आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप डालिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार बनाइए, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। और ठंडी के मौसम में तो वैसे भी गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा ही सबको अच्छा लगता है। तो इसी लेयर के साथ हम वापस से एक बार और करेंगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पूरा इसको लेयर के साथ पहले चीनी गाजर और फिर पहले गाजर फिर चीनी ऐसे रख दिया है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए भाप से पकाएंगे, क्योंकि जैसे गाजर ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा भाप से इस तरीके से ढक्कन को ऊपर रख करके पकाएंगे। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर मैं ढक्कन को बंद कर दूंगी और इसमें हम 4-5 सीटी जो है उसको अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो 4-5 सीटी बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, और ज़्यादा लग जाएगा तो फिर वो एकदम बहुत अजीब सा लगेगा। तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है हमारा ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। अभी हमें करना क्या है कि जैसे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, तो आप पूरा जो है उसको अच्छी तरीके से भून करके तब बनाइए। तो यहाँ पर मैं घर भर के लिए सिर्फ बना रही हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो 5 लोग के लिए बनाने के लिए सिर्फ 1 चम्मच घी डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। घी 1 चम्मच बहुत ज़्यादा है। अब जो हमें जिस हिसाब से गाजर लेना है, जितना आप खाते हो तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर घी को हल्का सा गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद जो हमने गाजर को बॉईल किया है उसको इस तरीके से हम डाल देंगे। डाल करके इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि जो इसमें ज़रा सा भी पानी जो है वो ना रहे, अच्छी तरीके से वो सूख जाए। तो यहाँ पर हम जितने भी पहले थोड़ा बहुत जो भी लेना है उसको लेंगे और इस तरीके से इसको हम फिर चलाना शुरू करेंगे। और इसको हम फ्लेम जो है इसका मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। चलिए इसको फटाफट से भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने हलवे को अच्छी तरीके से भून लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको आपको अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि इसका पानी ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे पानी अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो अभी इसमें हमें डालना है फुल मलाई के साथ 1 कटोरी दूध डालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फुल मलाई
कि एक कटोरी दूध ले लिया है, तो इसको हम डाल देंगे। और डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको हम भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इतना अच्छी तरीके से भूनूंगी कि इसमें जो है इसका दूध वो अच्छी तरीके से सूख जाए। तो चलिए फटाफट से भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हलवे को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, और उसके बाद इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। जो ड्राई फ्रूट्स डालना है वो हम लास्ट में डालेंगे, जब एकदम अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टेस्टी और बहुत ही अच्छा हलवा बना है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हमें ऊपर से 1 चम्मच घी डालना है, अगर आप खाते हैं तो। नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर इसका स्वाद और अच्छा बढ़ाना चाहते हो तो 1 चम्मच घी ज़रूर डाल के देखना, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा जो है वो टेस्टी टेस्टी हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको फटाफट से सर्व करते हैं, और आप इसको फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर ऐसे ही कोई छोटा मोटा फंक्शन है उसमें बना करके इसको आप टेस्ट कर सकते हैं और बना करके इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत टेस्टी हलवा बना था, मैंने तो खाया था, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, और टेस्ट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है हलवा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।